यहाँ ये चुनाव तय करेगा कि बीजेपी की सरकार रहेगी या फिर कांग्रेस का कमल खिलेगा। चुनौती किसी के लिए आसान नहीं है। कांग्रेस अपने मुंह से छीना हुआ सत्ता का निवाला हर हाल में वापस लेने को आतुर है। यही वजह कि मुख्यमंत्री के निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनकी सरकार की नाकामियां होती हैं। लेकिन जब चुनाव में कुछ ही वक्त रह गया है, तब सीएम ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है वो कमलनाथ की सत्ता में वापसी का सपना चकनाचूर भी कर सकता है। सीएम शिवराज जहां चुनावी रैलियों में झुककर गुटरों के बल जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता उन पर और सिंधिया पर एक के बाद एक तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्हें नंगा भूखा तक कहा गया। अब पूर्व सीएम कमलनाथ उन्हें अदाकारी दिखाने मुंबई जाने की सलाह दे रहे हैं। प्रचार गद्दार और धोखेबाज के आरोपों से बढ़कर किसान का बेटा और उद्योगपति वाली छवि की तरफ अब ये चुनाव आगे बढ़ रहा है। नई रणनीति किसे फायदा पहुंचाएगी, किसे नुकसान, ये तो आने वाला समय बताएगा। कहते मैं किसान का बेटा हूं, कभी कहते मैं मामा हूं, ये शिवराज सिंह लेट जाते हैं मंच पर, ये तो इतनी एक्टिंग कर लेते हैं, बंबई जाए शाहरुख खान और सलमान को भी शर्मा देंगे ये, और कम से कम मध्य प्रदेश का नाम तो रोशन करेंगे एक्टिंग में। जनता भगवान है हमारी, ये अहंकार कांग्रेस के नेताओं को मुबारक हो अकड़ के चलने का। अब मैं तो दिल से राजनीति करता हूँ, दिमाग से नहीं, और मुझे लगा कि मुझे जनता का धन्यवाद अदा करना चाहिए, तो मैंने तो शीश झुका के प्रणाम किया अपनी जनता को। रीवा में भी मैंने किया, एक नहीं लाख बार करूँगा, क्योंकि उसी जनता की सेवा मेरे जीवन का लक्ष्य है। उधर कांग्रेस में इस बयानबाजी को लेकर असमंजस की स्थिति है। तीखे बयानों को कोई सही ठहराता है तो कोई गलत। देखिए दिनेश गुर्जर के बयान पर कांग्रेस नेताओं के क्या क्या रिएक्शन आए। देखिए कमलनाथ जी ने अपने आप को कभी उद्योगपति नहीं कहा, जनसेवक उन्होंने कहा है, और जन भावना के अनुसार वो काम करते रहे। मध्य प्रदेश के अंदर 18 महीने काम किया है, और शिवराज जी भी अपनी जगह जैसा उनसे बनता है काम करते हैं। ये बात सही है कि कमलनाथ जी ने ज़्यादा काम किया, शिवराज जी ने कम काम किया, लेकिन इस तरीके की भाषा का उपयोग किसी को भी नहीं करना चाहिए, और यदि किया इस तरीके की भाषा का उपयोग तो माफी मांगनी। तो उनका कहने का आशय यह था, लेकिन उसमें एक शब्द यदि उनका गलत है तो कांग्रेस ऐसे शब्द का न समर्थन करती है, न इत्तेफाक रखती है, और न ऐसे शब्दों के साथ है। कांग्रेस ऐसी विचारधारा का भी समर्थन कभी नहीं करती। मध्य प्रदेश को इस सरकार ने जो शिवराज जी की थी खोखला करके रख दिया और खुद के हालत अच्छे किए, उसी का दर्द जनता का था। दिनेश गुर्जर जी ने कहने की कोशिश की है लोकल लैंग्वेज होती है, लोकल भाषा होती है, अंतर आ जाता है, लेकिन असली बात यह है कि भाजपा के भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हालात अच्छे होते गए और जनता के हालात बद से बदतर होते गए। तो दिनेश जी ने भी यही कहा था, जिसको बीजेपी एक तरह से अपने लिए स्कोरिंग पॉइंट करता हुआ देख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की बात हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने अभी तक सीना फुलाते लोगों को देखा था, सीना तानते देखा था, ये कमर का जिक्र कहां से आ गया? ये सलमान और जैकलीन की फरियाद दिला दी। सलमान जैकलीन की याद जब भी आई हमें, जब उन्होंने शिवराज जी को एक्टर कहा। अब ये एक्टरों के साथ इनका संपर्क रहा है, उद्योगपति रहे हैं बड़े, बंबई में भी इनके ऑफिस है। ये गरीब की पीड़ा समझते ही नहीं है कमलनाथ जी, सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए। तो उद्योगपति वर्सेस किसान, ये चुनाव इस ओर टर्न होता दिख रहा है। हमारे साथ कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। अजय सिंह यादव जी कांग्रेस से हैं, आशीष अग्रवाल जी भाजपा से जुड़ चुके हैं। अजय सिंह जी, सवाल आपसे, क्या वाकई दिनेश जी के जो बयान है उसके बाद अब आप लोगों को सफाई देनी पड़ रही है, या एकमत पार्टी के अंदर नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से इस पर रिएक्ट किया जाए? देखिए एकमत का सवाल नहीं है। मध्य प्रदेश में भाषा की गरिमा गिराने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस ने तो स्पष्ट तौर पर कहा है कि दिनेश गुर्जर जी को भाषा संयमित रखना चाहिए था, और कांग्रेस पार्टी इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करती है। लेकिन नंद कुमार चौहान जी जो कमलनाथ जी को आतंकवादी कहते थे, उन्होंने आज तक माफी मांगी। भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान को गलत कहा। शिवराज सिंह चौहान जी ए कमलनाथ इस तरह की भाषा उपयोग करते हुए सार्वजनिक तौर से दिखाई दिए, क्या भाजपा के नेताओं ने उसके लिए माफी मांगी? कांग्रेस पार्टी जी, आपको लग रहा है कि दिनेश जी ने कुछ गलत कह दिया, चुनाव में नुकसान हो सकता है इस भाषा का?
देखिए कांग्रेस पार्टी इस मामले में स्पष्ट कह चुकी है कि भाषा का संयम होना चाहिए, लेकिन दिनेश जी ने गंभीर मुद्दा उठाया है कि शिवराज सिंह चौहान जी जो अपने आप को गरीब किसान का बेटा कहते थे कैसे करोड़पति बन गए, कैसे उनके अजय जी मुद्दे तो सभी भाजपा कांग्रेस सभी उठा रहे हैं। मैं जो कहा जो बयान उनका था उस पर बात कर रहा था, क्या वो नुकसान पहुंचाता दिख रहा है इस प्रकार के बयान? नुकसान का सवाल नहीं है, ये गंभीर मुद्दा है। जनता स्वयं समझ रही है कि किस तरह से गरीब का बेटा विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, डेयरी उद्योग, फूलों के उद्योग। अजय जी मैं दिनेश जी के बयान के बारे में बात कर रहा था, आपको बयान क्या सही लग रहा है या आप लोगों को लग रहा है कि ये गलत है? अगर आप बोल रहे गलत है तो नुकसान पहुंचाता दिख रहा है। देखिए मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि इस बयान के दो पक्ष हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया उस तरह की भाषा से बचना चाहिए, लेकिन जो मुद्दा उठाया गया वो भाषा से बचना चाहिए। जनता से जुड़ा हुआ है कि जनता के लिए इन्होंने क्या किया। ठीक है दिनेश जी, मैं आपसे भी एक आशीष जी भी जुड़े उनसे भी एक टिप्पणी ले लेता हूँ। आशीष जी ये बयान जो आया दिनेश गुर्जर जी का कि आप लोगों को माइलेज लग रहा है और बिल्कुल चुनाव में आप लोगों ने इसे पिक किया है एक तरीके से, मतलब कोई अगर अपशब्द कहेगा मेरे नेता को नंगा और भूखा कहेगा तो उसमें माइलेज का विषय है या ये उस गांव गरीब वंचित शोषित का अपमान है? क्या ये वो कांग्रेस की सामंतवादी मानसिकता को नहीं दिखाता जो स्पष्ट करता है कि कांग्रेस धनाढ्यों की पार्टी है, कांग्रेस में धनबल चलता है और किसान और गरीब निर्बल होते हैं? तो स्पष्ट है, पूरे मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेस ने खुद स्वीकारा कि वो तो उद्योगपति हैं, दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं और शिवराज जी नंगे भूखे हैं। तो अब इससे ज्यादा अब कांग्रेस की किरकिरी होने में बचा भी क्या है? वैसे ये बदजुबानी कांग्रेस की संस्कृति रही है। इनके जो प्रथम परिवार के जो युवराज हैं वो कैबिनेट के निर्णय को मुंह पे फाड़ देते हैं, मौत का सौदागर, खून के दलाल, चाय वाला, और इन्हीं सारी बातों से जनता ने परेशान होके मूल विषयों से हटाने की जो कांग्रेस की नीति रही है 400 से 40 का सफर तय करा दिया। कांग्रेस ही कल तक तो इस विषय पे इस बयान से आप लोगों को क्या लग रहा है कि चुनाव, अगर चुनाव भी चल रहा है, आशीष जी इसलिए पूछ रहा हूँ, चुनाव भी चल रहा है, इस बयान से क्या आप लोग अपने अपने आप को फायदे में देख रहे हैं? कांग्रेस अगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करे तो इसमें फायदा ढूंढेंगे या आप अपना बचाव करेंगे? आप अपने सम्मान का बचाव नहीं करेंगे? अगर मेरे नेता को नंगा और भूखा कहा जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक साधारण परिवार से आए, वो कोई उद्योगपति परिवारवाद का निकला हुआ प्रोडक्ट नहीं है, तो क्या हम नंगा और भूखा सुनेंगे? अगर कांग्रेसों को आरोप लगाना है तो विकास को लेके बात करें। कभी कहते हैं कि नारियल क्यों फोड़ते हैं, अब नारियल फोड़ते हैं तो 40,500 करोड़ जनता के खाते में जाते हैं, अगर इससे कांग्रेस को आपत्ति है तो ठीक है। कमलनाथ जी कहते हैं वो एक्टर है, अरे एक्टर तो आगे आएंगे जिन्होंने आशीष जी भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र जनता सब समझ चुकी है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैंने आपके सामने कोट किया नंद कुमार चौहान ने कमलनाथ जी को आतंकवादी कहा, उसके ऊपर आप बोलने से बचते हैं? चलिए तो ये बयान है और आप लोग एक दूसरे पर खैर आरोप लगा रहे हैं और भाषा के इस्तेमाल का दोनों ही एक दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, पर जनता देख रही है कौन किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का।